कोरोना संक्रमण के 58 नए मामले सामने आए हैं और इन 58 नए मामले सामने आने के बाद जो टोटल आज तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अम्बाला जिले में 2446 हो गई है, 2446 हो गई है। आज 88 केस डिस्चार्ज हुए हैं। इसके साथ ही जो डिस्चार्ज होने वालों के केसों की संख्या जो अब तक डिस्चार्ज हुए हैं 2050 हो गई है। और इसके साथ ही आज जो एक्टिव केस हैं आज के टाइम पे वो 375 हैं। आज जो मामले सामने आए हैं उनमें से 18 मामले अम्बाला सिटी से हैं, 30 मामले अम्बाला कैंट से हैं, 2 मामले शहजादपुर से हैं और 8 मामले चौड़मसपुर से हैं। और इसके साथ ही जो आज हमारी सैंपलिंग है अलग अलग एरिया में हर जगह हुई है और सैंपलिंग हमारी जो एवरेज सैंपलिंग है लगभग 600 से 700 सैंपलिंग डेली हो रही है और हम जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनके सैंपल लेने की कोशिश कर रहे हैं और जितने सिम्टोमेटिक हैं उनके सैंपल ले रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारे पास एंटीजन की किट है, एंटीजन की टेस्टिंग हम जो हमारे कंटेनमेंट जोन है उनमें एंटीजन टेस्टिंग भी हम बढ़ा रहे हैं। सीरो सैंपलिंग का क्या स्टेटस है? सीरो सैंपलिंग की अभी जो हमने हालांकि अब तक 200 सैंपल लिए हैं हमने, जो एक जो पीजीआई ने जब 2 दिन के लिए रुकवा दी थी, जब भी पीजीआई चंडीगढ़ कोलैबोरेट कर रहा है, जब भी पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से नोट मिलेगी हम उसी दिन स्टार्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफली हम कल इसे सीरियस सर्वेलेंस हम स्टार्ट कर देंगे।